नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि शर्मा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में भयानक आग लग गई, जिससे कई दुकानें जलकर राख हो गई तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गैस रिफिलिंग करते समय लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। जानकारी के अनुसार कलान के नगर पंचायत कार्यालय के समीप रखे खोखों में गैस लीक होने से अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख नगर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग से खोखों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया, वहीं एक व्यक्ति के झुलसने की सूचना है। बता दें कि शनिवार देर शाम थाना व कस्बा कलान के कनानपुर मुरादाबाद स्टेट हाईवे के किनारे नगर पंचायत कार्यालय के समीप रखे चार खोखों में गैस लीक होने से अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैस व्यापारी सिलेंडर में गैस रिफिल कर रहा था, इसी दौरान आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से तीन अन्य खोखे आग की चपेट में आ गए। आग की लपटें देख हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी दी गई, लेकिन सूचना के घंटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक आग पर काबू पा लिया गया। घटना की जानकारी होने पर थाना प्रभारी जग नारायण पांडे पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर तहसीलदार कलान दुर्गेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। जब इस संबंध में तहसीलदार कलान दुर्गेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर में गैस लीक होने से आग लगी, वहीं आसपास के लोगों के द्वारा आग बुझाने का काम किया गया। मौके पर पहुंची दमकल का भी सहयोग लिया गया। फिलहाल कोई बड़ी जनहान की घटना नहीं हुई। इस संबंध में पूरी जानकारी होने के बाद प्रशासन के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई होगी, अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी जो नियमानुसार होगी वो हम लोग करेंगे। कम 1.5-2 लाख रुपए का भैया नुकसान हो गया। कैसे आग लगी? अचानक आग लग गई, हम तो घर पे थे, हम दुकान खुली थी। कितना नुकसान हो गया होगा और उसमें किसी के झुलसने की कोई उम्मीद नहीं? झुलसने नहीं पाए, थोड़े हाथ चल गए बस और कुछ नहीं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं?